दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कुख्यात आतंकवादी अबू दुजाना की मौत के बाद अबू इस्माइल बना कश्मीर में लश्कर का नया कमांडर। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड है इस्माइल। आरबीआई ने रेपो दर में 1/4% की कटौती की, अब ऋण सस्ता होने की उम्मीद। अहमद पटेल ने कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के बेंगलुरु स्थित रिसोर्ट में आयकर विभाग के छापे को भाजपा सरकार की निराशा और हताशा करार दिया। कर्नाटक में केजरीवाल भेजे जाने के मामले में कांग्रेस के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा, साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बनेगा डाटा संरक्षण कानून। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा, पाकिस्तान ले जाए आतंकवादी अबू दुजाना का शव, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया दुजाना। पूर्व आईएएस अधिकारी नीरा यादव को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। अलगाववादी नेताओं की हड़ताल के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से कश्मीर घाटी में रेल सेवा स्थगित। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव का सिलचर में निधन, राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने पणजी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में लगी आग। अफगानिस्तान के पश्चिमी शहर हेरात में एक शिया मस्जिद में हुए जबरदस्त विस्फोट में 29 से अधिक लोगों की मौत, 64 से ज्यादा घायल। अमेरिकी गठबंधन सेना ने सीरिया के पूर्वी प्रांत दियर अल जौर में हवाई हमले किए, 60 नागरिकों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।